मौसम बहुत ही बढ़िया हो रखा है, वहाँ से सनराइज हो रहा है अभी, और हल्के हल्के प्यारे प्यारे अभी छोटे मेरी तो छोटे बादल मौसम लगे हैं बहुत इस डायरेक्शन बढ़िया में, बड़े नज़ारा दिख रहे हैं। गुड मॉर्निंग। आज सीन कुछ ऐसा है कि पहले मैं आपको दिखाता हूँ सीन क्या है। रुको, सीन ऐसा है, देखो अगर आप नोटिस करो, ये जो प्यारी सी मोड़ है ना, यहाँ से व्यू दिखता है बढ़िया सा, आप सभी को मैंने पहले भी दिखाया है 7 साल में। बट सीन क्या है कि लोग यहाँ पे अच्छा व्यू देखते देखते कूड़ा भी कर जाते हैं। ये देख रहे हो आप कूड़ा। आई नो कि गोप्रो के वाइड एंगल से ये वाला सीन आपको दिखाई दे रहा है, बट अगर आप नोटिस करें धीरे धीरे, ऐसे आप नज़रों को नीचे की तरफ ले जाएं तो आप नोटिस करेंगे वो नीचे तक, वहाँ तक। ये भी सुपर व्यू में है, बहुत ही वाइड व्यू है गोप्रो का, तो आपको नज़र आ रहा नहीं आ रहा पता नहीं, बट मैं पॉइंट कर देता हूँ कि कूड़ा अगर आप वो देखें वहाँ पर, वो दिख रहा है आपको, वहाँ तक फैला है। और ऐसी इसी डायरेक्शन से ऐसे राइट, सॉरी राइट और लेफ्ट, आप दोनों जगह चले जाएं तो आपको दोनों जगह कूड़ा दिखाई देगा। तो आज हमने फैसला किया है, एक्चुअली कल ही कर लिया था, कि हम आज आएंगे और यहाँ की सफाई करेंगे। तो मेरे साथ आ जाएं प्रेम भाई और मोहित। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी की, क्योंकि थोड़ी देर में गर्मी बढ़ जाएगी और अच्छा काम करने में देरी नहीं करते। लेट्स डू दिस। यहाँ पे घुसना थोड़ा कठिन है, झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ हो रखी है आजकल, लोग कहाँ कहाँ कूड़ा फेंक देते हैं, आप यकीन नहीं करेंगे। ऐसा करते हैं कि कूड़ा उठाते उठाते हो जाएगी देर, अगर मैं गोप्रो पकड़ के रिकॉर्ड करता रहा तो एक टाइम लैप्स पे लगाते हैं इसे, आपको अंदाज़ा आएगा कि कितना सारा कूड़ा था टाइम के हिसाब से। फिर मिलता हूँ मैं आपसे। लगभग आधे से ज़्यादा कूड़ा हमने साफ़ कर दिया है। एक्चुअली सीन ऐसा है कि अगर आप नोटिस करें, यहाँ से आपको झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ दिखाई देंगी। एक्चुअली ये जो झाड़ियाँ आपको दिखाई दे रही हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ एक मिनट स्पेसिफिक, ये जो आप देख रहे हैं फूलों वाली झाड़ियाँ, ये चीज़ जो है ये है कूरी की झाड़ियाँ। तो अब ऐसा सीन है, इसमें क्या होता है कि इसमें छोटे छोटे कांटे होते हैं इस पौधे में, तो हम जहाँ तक नीचे, वहाँ से नीचे तक जहाँ तक जा सकते थे ऐसी रेंज में आते हुए यहाँ तक अभी फ़िलहाल, एक्चुअली मैं मोहित लोग इधर से स्टार्ट साफ़ कर रहे हैं, काफ़ी नीचे तक कर दिया हम लोगों ने, तो हम जहाँ तक जा सकते थे इस रेंज में हम वहाँ तक हमने पूरा साफ़ करा। एंड अब जो बाकी की सफाई है वो हम थोड़ी दिनों बाद करेंगे, जब थोड़ी ये झाड़ी सूख जाएगी मे बी, बट इधर का पोर्शन हम पूरा साफ़ करेंगे जहाँ तक हम कर सकते हैं। तो मैंने गोप्रो को थोड़ी देर टाइम लैप्स से हटा दिया है, और अगर मैं आपको दिखाऊँ कूड़ेदान की हालत, तो सही बोलूँ तो मैं जो एक कूड़ादान आपको दिख रहा है, ये पहले लगभग इसका लेवल पूरा नीचे तक था, मतलब जो पहले का कूड़ा था इसमें जला था, बट अभी आप अगर देखें तो आपको नीचे से ऊपर तक ही जहाँ तक है पूरा कूड़ा दिखाई देगा। ये था पहला कूड़ादान, और मैं आपको दिखाता हूँ दूसरा कूड़ादान जो कि है सामने पे। मुझे सही बताऊँ तो समझ में नहीं आता कि लोग कूड़ादान इतना बड़ा बड़ा देखते हैं, लिखा हुआ डस्टबिन, ये देखिए, फिर भी इनमें कूड़ा नहीं डालते हैं। ये वाला कूड़ादान देखिए, इसमें भी हमने पूरा कचरा निकाल के भर दिया है, ये भी लिटरली पूरा खाली था, इसमें जो पहले का कूड़ा था जला हुआ था। तो अभी एक काम करते हैं और सफाई करते हैं इधर की तरफ, अब मैं मोहित लोग की इधर पे हेल्प करता हूँ। उन लोगों ने यहाँ से काफ़ी कूड़ा निकाला, क्योंकि होता क्या है मैक्सिमम लोग जो है इधर ही की तरफ बैठते हैं, क्योंकि इधर से व्यू अच्छा आता है, और व्यू जहाँ से अच्छा आता है उधर ही से लोग कूड़ा नीचे को डालते हैं। तो अभी इधर की बारी है सफाई करने की। लेट्स डू दिस। अगर आप लोग अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं तो इस वीडियो को प्लीज़ इंस्टाग्राम, फेसबुक या जो भी सोशल मीडिया साइट से जहाँ पे ये वीडियो शेयर हो सकती है वहाँ तक ज़रूर शेयर करें, क्योंकि सही बताओ तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है शेयर करना। कि देखो आप लोगों ने अगर वीडियो का टाइटल पढ़ा होगा, वीडियो का टाइटल होगा रिवाइविंग द नेचर, यू नो इसका एक बहुत डीप मीनिंग है। सही बताओ तो अगर आज के दिन आप नेचर की देखभाल नहीं करेंगे ना, तो आने वाली जनरेशन या आपके लिए भी एक्चुअली ये बहुत बड़ी दिक्कत पैदा कर सकती है। सही बताऊँ तो क्योंकि हमें नहीं मालूम कि आने वाले सालों में
जो इंसान है ना, हम एक तो सबसे ज़्यादा बेकार लोग हैं, है ना। बेकार लोग क्या, बेकार प्रजाति कहूँगा मैं, है ना। तो ये वाला सीन है, हमें खुद नहीं मालूम हम कितनी गंदगी कर देंगे। तो ये ज़रूरी है कि हमें मालूम हो हम कितनी गंदगी कर रहे हैं, या हमें एक्चुअली करनी नहीं चाहिए सही बताऊँ तो। पहली बात तो वही है सीन, अभी कूड़ा साफ़ करते हैं। देख रहे हो तुम, पूरी धूप आ गई, सूरज वहाँ तक चले गया, ऊपर तक। और हाँ, अभी तक हम साफ़ ही करने में लगे हैं, फिर भी साफ़ करते हैं जब तक कर सकते हैं, जितना कर सकते हैं। फ़िलहाल बातें नहीं करता हूँ ज़्यादा। सीन ऐसा है कि सफाई हो चुकी है जितना हम मैक्सिमम कर सकते थे। वैसे तो सही बताऊँ तो कूड़ा अभी भी बहुत सी जगहों पर अटका है। अगर आप नोटिस करिए, झाड़ी आपको दिख रही है, यहाँ भी अंदर तक कूड़ा है। बट अभी ये पॉसिबल नहीं है सही बताऊँ तो इन्हें काटना, ये क्योंकि रीज़न ये है कि देखो यहाँ पे बर्ड्स भी आती है, तो बर्ड्स जहाँ पे रह रही है हम उसे भी अभी नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते, तो हम वेट करेंगे मे बी इन झाड़ियों के सूखने का, जब तक ये सूख जाएँ, क्योंकि उसके बाद ये चीज़ सही रहेगी, उचित रहेगी कि हम इसे साफ़ कर दें झाड़ी को। अगर आप नोटिस करें यहाँ से नीचे तक आपको कूड़ा अभी दिखाई नहीं दे रहा होगा, इधर भी कूड़ा दिखाई नहीं दे रहा होगा, वो इसलिए क्योंकि सब कुछ साफ़ किया जा चुका है, एंड दिस इज़ द थिंग। अच्छा एक चीज़ और, आप लोगों ने नोटिस करा होगा जब कोई सेलिब्रिटी ये हरकत करता है, जैसे एक बोतल भी मतलब उठा के डस्टबिन में फेंक दें, तो लोग शेयर करने लगते हैं कि मतलब देखो कैसा बंदा है, जागरूक एकदम। यार एज अ लोकल आप लोग अगर हमारा सपोर्ट भी करें, क्योंकि हम जो ये काम कर रहे हैं ना, सही बताऊँ तो हमारी चीज़ें शेयर करने वाला कोई है नहीं, तो अगर आप लोग ये वीडियो शेयर करते हैं तो इससे केवल इसी जगह पे जो लोग हैं उन्हें ही अवेयर, वही अवेयर नहीं होंगे, मतलब जो बाकी लोग रह रहे हैं कई जगहों पे, जितने भी जगहों पे, वो सभी अवेयर होंगे और लोग कूड़ा करने से बचेंगे एक्चुअली, समझ रहे हो आप, या कूड़ा उठा के डस्टबिन में ही फेंकेंगे। पर्सनली मेरी आदत ऐसी है कि मैं जब भी टॉफ़ी भी खाता हूँ तो मैं अगर कूड़ेदान आसपास नहीं है तो मैं अपनी जेब में भर के चलता हूँ टॉफ़ी, तो कई बार मेरी जेब में भी इतनी सारी टॉफियाँ इकट्ठी हो जाती हैं कि क्या ही बताऊँ। अभी फ़िलहाल एक भी नहीं, क्योंकि मैं डस्टबिन में लास्ट टाइम फेंक दिया होगा। तो यही सीन है, आप लोग इस वीडियो को शेयर करें और कूड़ा बिल्कुल ना करें, बिल्कुल भी नहीं, समझ रहे हो, क्योंकि इन दी एंड कूड़ा जो साफ़ कर रहा होता है वो दूसरा बंदा ही होता है, आप लोग तो कर नहीं रहे होते ना जो कूड़ा करते हो। तो इट्स अ रिक्वेस्ट एंड दिस इज़ द थिंग, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू शेयर दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट, थैंक यू।